साहित्य लहर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी इंतहा मेरे सब्र की। कहानी सुनने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन मेरा मनोबल बढ़ाता है, धन्यवाद। आइए कहानी सुनते हैं। घर लौटते समय उसने सोचा था कि चाय पीकर वह आधा पौन घंटा लेटी रहेगी। बदन थकान से चूर हो रहा था, एक तो रात भर का सफर, फिर घर आते ही बस चाय और दो बिस्कुट खाकर चल पड़ी थी। नहाने के नाम पर दो लोटे पानी के शरीर पर डालकर उसने कपड़े बदल लिए थे। ज्यादा कुछ करने के लिए समय ही नहीं था। अब घर जाकर देखेगी, पानी की सुविधा हुई तो फिर से नहा लेगी, तभी ताजा दम हो पाएगी। पर उसके घर पहुंचते ही जूही उसकी गोद में मुंह छिपाकर सुबकने लगी थी। उसे कपड़े बदलने तक की मोहलत बेटी ने नहीं दी थी। उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए वह बार बार पूछ रही थी, क्या हुआ बेटा? पर जवाब में केवल सिसकियां ही मिल रही थी। क्या हुआ रे? उसने बेचारी से चेतन से पूछा, जो वहीं बैठकर पढ़ रहा था। उसने एक बार माँ की ओर देखा, बुरा सा मुंह बनाया और फिर किताब में आंखें गाड़ दी। वैसे अब यह रोज का ही नाटक हो गया है। जब से शालिनी आई है, एक ना एक एपिसोड होता ही रहता है। वह दफ्तर से थकी हारी लौटती है और उसके सामने शिकायतों का अंबार लग जाता है। शिकायतें दोनों तरफ से ही होती है, पर न्याय तो हमेशा एक तरफा ही करना पड़ता है। हमेशा अपने बच्चों को ही कटघरे में खड़ा रखना बड़ा खराब लगता है, पर क्या करे, मजबूरी है। दिन पर दिन दोनों कुमलाते चले जा रहे हैं, इसलिए वह जिद करके 15-20 दिनों के लिए पीहर चली गई थी। वहां नाना नानी मामा मामी का लार दुलार पाकर दोनों के मन थोड़े हरे हो गए थे, पर क्या फायदा, घर लौटते ही यही सब शुरू हो गया। पता नहीं कब इनकी छुट्टियां खत्म होगी। जितनी देर स्कूल में रहते हैं, कम से कम उतनी देर तो वह निश्चिंत हो सकेगी। कुछ देर बाद उसका भी धैर्य चूक गया था। झल्लाकर बोली, एक गिलास पानी का आसरा नहीं है किसी का, पर मेरे आते ही यह रोना पीटना तो मत मचाया करो, दिमाग चटक जाता है मेरा। नालायक, बताता क्यों नहीं कि क्या हुआ है? लड़का बेचारा सकपका गया, रुआसी आवाज में बोला, नानी ने जो कपड़े दिए थे सब दादी ने रख लिए, और मामी ने जो खिलौने दिए थे वे भी। आते ही प्रदर्शनी लगाने की क्या जरूरत थी, मेरे आने तक रुक नहीं सकते थे? वो बार बार पूछ रही थी कि नानी ने क्या दिया, मामा ने क्या दिया, तो गुड़िया ने सब निकाल कर दिखाने लग गई। मीना कुछ कहना चाहती थी कि रुक गई। उसे लगा कि दरवाजे के पास कोई है। उसने आगे बढ़कर पर्दा जरा सा हटाया, उसका अनुमान ठीक था। दरवाजे के पास कान लगाए अम्मा जी खड़ी थी। जैसे ही उससे पता चला कि मीना ने देख लिया तो वे भीतर चली आई और कड़क कर पोते से बोली, क्या रे, आते ही मम्मी से चुगली लगाने बैठ गया है? उसने कोई चुगली नहीं की है अम्मा जी, मीना ने भरकस विनम्रता से बताया। मैं ही बार बार पूछ रही थी कि गुड़िया क्यों रो रही है, तो उसने बताया। हाँ तो बताया होगा कि दादी ने सब कपड़े खिलौने सब रख लिए हैं, यही ना? तो तुम भी सुन लो बहू, कि घर में अगर चार बच्चे हैं तो चारों के लिए सामान आएगा, नहीं तो किसी के लिए नहीं आएगा। तुम्हारे घर वालों को इतना तो समझना चाहिए। इसमें मेरे घर वालों का कोई दोष नहीं है, मैंने ही उन्हें शालिनी के बारे में नहीं बताया। बच्चों को भी ताकीद कर दिया था कि बुआ की चर्चा ना करे। इसमें अलग से बताने वाली क्या बात है, तुम्हारा छोटा भाई इंटरव्यू के लिए आया था, तब शालू से मिला नहीं था। तब जनवरी थी अम्मा जी, और अब जून चल रहा है। जनवरी से लेकर जून तक बेटी अगर पीहर में बैठी रहती है तो लोग 100 तरह की बातें पूछते हैं। अपने घर की बात 10 लोगों तक पहुंचे मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब कि तुम्हें शर्म आती है? तुम पीहर जाओ तो कोई बात नहीं, पर मेरी बेटी पीहर आए तो शर्म की बात है क्यों? अम्मा जी, ये बात तो आप भी अच्छे से जानती हैं कि शालू का यहाँ रहना और मेरे पीहर जाना, इन दोनों चीजों में कितना फर्क है। वैसे भी मैं पूरे 2 साल बाद गई थी, वह भी सिर्फ 15 दिनों के लिए। मेरे माँ बाप भी बूढ़े हो चले हैं, उनका भी मन बेटी से मिलने को करता है,
उनकी आंखें भी नवासों को देखने के लिए तरसती है और बच्चों को भी थोड़ा बदलाव हो जाता है। छुट्टियों में सारे बच्चे कहीं ना कहीं जाते हैं, मेरी वजह से यही बेचारे घर में बनकर रह जाते हैं। थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो मैं अकेले ही भेज दिया करूंगी। ओफो, अम्मा तुम भी कहाँ चली जाती हो? शालू अचानक वहां नामुदार हुई। उसने दुपट्टे से सर को कसकर बांध रखा था। कई बार मीना का कहने को मन होता है कि शालू, पट्टियां तुम्हें नहीं हमें बांधनी चाहिए, क्योंकि आजकल तुम पूरे घर का सरदर्द बनी हुई हो। गोद के बच्चे को अम्मा को पकड़ाते हुए शालू भुनभुनाई, अब थोड़ी देर इसे अपने पास रखो अम्मा, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है और ये दुष्ट मेरे प्राण ले रहा है। दोनों के दोनों मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। शालू वापस कमरे में चली गई। रिरियाते बच्चे को थामकर अम्मा जी ने बड़ी आशा से तीनों की ओर देखा। चेतन किताब में डूब गया था। जूही माँ की गोद में लेटी थी। अगर बच्चों की माँ वहां ना होती तो अम्मा जी शालू के बच्चों को दोनों में से किसी को जरूर पकड़ा देती, पर अब हिम्मत नहीं पड़ी। सिर पर पल्ला डालकर खुद ही बाहर निकल गई। शरीर पस्त था, मन खिन्न था, कुछ भी करने का उत्साह नहीं था, पर आराम की मोहलत ही नहीं थी। ढेर सारा काम, खासकर रसोई का, उसकी बार जो रहा था। उसकी गैर हाजिरी में माँ बेटी ने मिलकर जैसे तैसे निभा दिया, पर उसके रहते कोई रसोई में पाव देगा उसकी आशा नहीं थी। सबको खाते खिलाते 9:30 बज गए। जैसे तैसे रसोई समेट कर वह बाहर निकली और गुड़िया को सुलाने के बहाने उसके पास जाकर लेट गई। पलके नींद से बोझिल हुई जा रही थी, पर वह उन्हें प्रयत्न पूर्वक खोले हुए थी, नहीं तो अनिल बुरा मान जाते। पति पत्नी कोई 20-22 दिन बाद मिलने वाले थे, पर मीना जानती थी कि अम्मा जी यह मिलन सुखद नहीं होने देगी। उन्होंने बेटे को रोक लिया था, तभी वह समझ गई थी कि खूब कान भरकर भेजेगी और वे कमरे में आते ही बरस पड़ेंगे। शुरू शुरू में जब ऐसा होता था तब वह पूरी पूरी रात रोती रहती थी, पर अब उस छुई मुई उम्र को वह पार कर चुकी है और अब वह भी तुर्की बतुर्की जवाब देने लगी है। जानती है कि उसकी शालीनता को जनता ने कमजोरी समझ लिया था और अब वह उस गलतफहमी को दूर करने पर उतारू है। जैसे कि अपेक्षित ही था, अनिल ने कमरे का दरवाजा बंद करते करते ही पूछ लिया, आते ही यह क्या हंगामा कर डाला? कैसा हंगामा? वैसे भी हंगामा करने की आदत आपकी माताश्री को है, मेरी नहीं। वही तो पूछ रहा हूं, क्या हुआ? अम्मा जी ने नहीं बताया क्या? तुम ही बता दो, क्या छोटी हो जाओगी? बच्चों को नाना के यहाँ से जो सामान मिला था वह इसलिए जब्त कर लिया गया कि सुमित अमित के लिए कुछ नहीं आया। अब मैं क्या वहां सारे खानदान के लिए कपड़े मांगती? तो तुम ही अपनी तरफ से कुछ ले आती? लाई हूँ बाबा, शाम को ऑफिस से लौटकर देने भी वाली थी, पर किसी को सब्र तो हो। इतनी खुशी खुशी लौटे थे बच्चे, पर आते ही सारी खुशियों पर पानी फिर गया। आप गुड़िया का सुबक ना देखते तो आपको पता चलता। अनिल चुप हो गए, कहते भी क्या, पर मीना चुप नहीं हुई। बोली, मेरी और भी दो बहनें हैं, पर किसी की ससुराल से यह फरमान नहीं आता है, हर बार पूरे खानदान की पहरवानी करनी पड़ती है। यह सिस्टम आप ही के घर पे देखा है, मुझे पहली बार में ही जता दिया गया था कि वहां से आएगी तो इकट्ठा 3 साड़ियां आएगी। जब 3 आने लगी तो शिकायत हुई कि वे नौकरानियों के लायक भी नहीं है। अब एक के बजट में 3 आएगी तो ऐसा ही होगा ना। तब मैंने माँ से कह दिया था कि मुझे साड़ी वाड़ी देने की जरूरत नहीं है, जो देना है अपने नवासों को दो। अब उसमें भी हिस्सेदारी पैदा हो गई है, अब इसके लिए भी मना कर दूंगी? मेरे माँ बाप कोई धना सेठ तो नहीं है। बहस से बचने के लिए अनिल चुपचाप करवट बदल कर लेट गए, पर अब मीना चुप बैठने वाली नहीं थी। उसकी नींद काफूर हो गई थी और मन आक्रोश से भर गया था। बोली, मैं जानती थी यह सब ऐसे ही होगा, इसलिए जब आप शालू को लेने जा रहे थे तो मैंने कहा था पहले एक कमरा ठीक कर लो। शालू क्या वहां अकेली रहती? अम्मा जी साथ रह लेती। यह घर अम्मा का है, यह मत भूलो। तो हम चले जाते, भले एक कमरे में गुजारा करते पर चैन से तो रहते। और बच्चे,
दिन भर अकेले रहते? अब भी तो अकेले रहते हैं। अब भी अम्मा दरवाजा भर खुलती है और नींद से जगाने के लिए 100-100 गालियां देती है। बच्चे अपने से ही कपड़े बदलते हैं, अपने से ही खाना लेकर खाते हैं, अपनी झूठी प्लेट खुद उठाकर सिंक में रखते हैं और अपने से ही पढ़ने बैठ जाते हैं। जब से शालू आई है बच्चों का पढ़ना भी निरापद नहीं रहा। अमित सुमित दोनों उनके सिर पर सवार रहते हैं। कोई पेन छीन ले जाता है, कोई कॉपी फाड़ देता है, तो कोई किताब छीन कर भाग जाता है। शिकायत करो तो उल्टा उन्हें ही डांट पड़ती है। अम्मा जी तो जब तक गुड़िया को छोटू पकड़ा देती है। 6 साल की बच्ची है वह, उसकी क्या बच्चे खिलाने की उम्र है? कभी अपने बीवी बच्चों की और भी देख लिया कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि बच्चों के मुंह कैसे सूख गए हैं। आधी से ज्यादा रात इसी कलह कलेश में बीत गई, और यह सिर्फ आज ही की बात नहीं है, आजकल अक्सर ऐसा ही होता है। पति से बात करने के लिए यही एक समय मिलता है, और उस समय तक अनिल दिन भर की आपाधापी से इतने थके हुए उबे हुए होते हैं कि जरा सी बात पर उखड़ जाते हैं। फिर वह भी चुप नहीं रह पाती, सारा संचित आक्रोश बाहर आ जाता है। हर बात एक बहस में और हर बहस एक प्रश्न चिन्ह में तब्दील हो जाती है। अभी उसी दिन की बात है, मीना ने कहा था, सुनो 1 लीटर दूध बढ़ा लें, शाम को बच्चों के लिए एक बूंद नहीं बचता है। वे एकदम भड़क गए। 1 लीटर दूध का मतलब समझती हो? पूरे 700 रुपए की बढ़ोतरी। मीना को भी यह हिसाब आता है, पर इस उम्र में बच्चों का दूध से वंचित रह जाना उसे कचोटता है। कभी मीना कहती, सोचती हूँ शाम के लिए एक महाराजिन रख लूं, शाम को मैं एकदम पस्त हो जाती हूँ, बच्चों को जरा भी समय नहीं दे पाती, कम से कम परीक्षा तक। वे उसकी बात पूरी नहीं होने देते, कहते, तुम थोड़े दिन सब्र नहीं कर सकती? यहाँ मैं रोज खर्चा घटाने की तरकीब सोचता हूँ, और तुम हो कि रोज एक नया शगुफा लेकर आ जाती हो। वह कहना चाहती है कि फिर बच्चों के लिए एक ट्यूशन ही लगवा दो, पर कहते हुए डर लगता है, सुनते ही झल्ला जाएंगे। उनका आजकल तकिया कलाम हो गया है, तुम थोड़ा सब्र नहीं कर सकती? कितने दिन सब्र करे मीना, 10 साल से यही तो करती आ रही है। वह पति की परेशानी समझती है, जानती है वे कर्ज की किस्तें चुकाते चुकाते बेचारे हलकान हो गए हैं, घर की किस्तें भी अभी भी भर रहे हैं। भाग्य से मीना की बैंक में नौकरी लग गई, 5 साल में 2 बच्चे, उन खर्चों से निजात पाते पाते बहन की शादी सर पर आ गई। माँ बेटी के नखरों के मारे वर्ष संशोधन भी एक समस्या ही बन गया था। जैसे तैसे करके एक जगह बात बनी, घर बार अम्मा जी ने ही पास किया तो बहन के हाथ पीले हुए, कर्ज का बोझ फिर से सर पर आ गया। इसी बीच शालू के 2 बच्चे हुए, नेक व्यवहार ने खर्च का भार और बढ़ा दिया। इतने पर भी शालू वहां निभा लेती तो वे संतोष कर लेते, पर वहां उसकी एक दिन नहीं बन पाई, बार बार आना जाना लगा ही रहा। पिछले 6 महीनों से तो वह यहाँ आकर जमकर बैठ गई है। माँ ने ऐलान कर दिया है कि जब तक जमाई राजा कान पकड़कर माफी नहीं मांगेंगे, वह बेटी को उस कसाई खाने में नहीं भेजेगी। और जमाई राजा है कि मुंह में दही जमाए बैठे हैं। पिछले 6 महीने में उन्होंने एक फोन भी नहीं किया। जब से शालू आई है घर का सारा बजट बिगड़ गया है, लेकिन उन लोगों के लाड प्यार में खाने पीने में कोई कमी अम्मा को बर्दाश्त नहीं होती, बस गाज गिरती है तो उसी के बच्चों पर, इसलिए वह भी इन दिनों बगावत पर उतर आई है। बच्चों की पढ़ाई का जो हाल हो रहा है वह उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हार कर उसने अपनी मुंह बोली ननंद राधिका को पटाया और बच्चों को उसके पास भेजने लगी। राधिका उन दिनों फुर्सत में थी, उसने एमए कर लिया था और उसके लिए जोर शोर से लड़के ढूंढे जा रहे थे। 2 घर छोड़कर ही घर था उसका, लाने ले जाने का झंझट नहीं था। सोचा कुछ नहीं तो कम से कम होमवर्क ही करवा देगी, कम से कम बच्चे वहां शांति से पढ़ तो सकेंगे। सबसे अहम बात तो यह थी कि आपस का मामला था, इसलिए सस्ते में निपट गया था। बाहर के ट्यूशन तो बहुत महंगे थे। अम्मा जी को तो उसने यही बताया था कि राधिका बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रही है, नहीं तो वे फिजूल खर्ची पर एक लेक्चर दे डालती।
पर इस 28 मई को राधिका की भी शादी हो गई। बच्चों की पढ़ाई की समस्या फिर से उसके सामने मुंह बाए खड़ी थी। जुलाई महीने की एक भीगी शाम को उसने घर में अचानक एक विस्फोट कर दिया। सब लोगों को खाना परोसते हुए उसने अचानक सूचना दे दी कि उसका ट्रांसफर हो गया है, उज्जैन अगले महीने ही ज्वाइन करना है। सब लोग सकते में आ गए, सबके कोर हाथ ही में रह गए। फिर माँ बेटे ने एक साथ पूछा, ट्रांसफर अचानक कैसे? मीना ने जानबूझकर ही यह समय इस खबर के लिए चुना था ताकि जो प्रतिक्रिया हो सबकी एक साथ हो। माँ बेटे की हैरानगी को नजरअंदाज करते हुए उसने शांत भाव से कहा, नौकरी में ट्रांसफर होती ही रहती है, इसमें आश्चर्य क्या है? अब तक तो नहीं हुआ था, अम्मा जी बोली। ये अपनी खुशकिस्मती थी। कैंसिल करवा लो, मैं कल आकर तुम्हारे जीएम से बात करता हूँ। कैंसिल तो मैं नहीं करवाऊंगी, उसने पति को दो टूक उत्तर दिया। प्रमोशन पर जा रही हूँ, ऐसा गोल्डन चांस छोड़ता है कोई? यहाँ क्या होगा? अम्मा जी को चिंता हुई। यहाँ क्या होना है, आपकी सुपुत्री तो आपके पास ही रहेगी ना, बच्चों को रख सकेगी तो ठीक है, वरना उनकी टीसी निकलवा लेंगे। और रोटी पानी? रोटी पानी के लिए आप हैं, शालू है, तीन जनों का खाना कितना होता है? शालू क्या यहाँ तुम्हारा चूल्हा फूकने के लिए आई है? एक तीखा सा उत्तर मीना की जबान तक आया था, पर उसे गटकते हुए उसने कहा, तो एक मिसरानी रख लेते हैं। मैं तो इनसे कितने दिनों से कह रही थी कि कम से कम दोनों वक्त के फुलके उतारने के लिए किसी को रख लेते हैं। अम्मा जी से निपटकर मीना पति से मुखातिब हुई। सुनो, इस वीकेंड पर उज्जैन चलते हैं, अच्छा सा पास पड़ोस देखकर घर निपटा लेते हैं, बच्चों के स्कूल के लिए भी पूछ कर आएंगे। मेरा ऑफिस दूर हुआ तो कोई बात नहीं, पर बच्चों का स्कूल पास होना चाहिए। लगता है तुम जाने के लिए तैयार ही बैठी हो। अरे इतनी अच्छी पोस्टिंग है, मैंने मना कर दिया तो कोई भी लपक लेगा, फिर बाद में किसी देहात में फेंक दिया तो मुसीबत होगी। आजकल हर कहीं बैंक की शाखाएं खुल रही है, मैं अकेली तो खैर कहीं भी रह लूंगी, पर बच्चों के साथ तो इनके हिसाब से सोचना पड़ता है। और फिर उज्जैन ऐसा दूर भी नहीं है, आप भी शनिवार रविवार आ सकेंगे। अपनी तरफ से विषय समाप्त कर वह सोने चली गई। माँ बेटे बहुत देर तक विचार विनिमय करते रहे, जो कि अपेक्षित ही था। उसका निष्कर्ष यह निकला कि कमरे में आते ही अनिल ने मीना से कहा, अम्मा का ख्याल है कि ट्रांसफर नहीं हुआ है, करवाया गया है। और अम्मा के लाड़े क्या कहते हैं? मेरा भी कमोबेश यही अनुमान है। तो आपका अनुमान एकदम सही है, वहां की पोस्टिंग निकली थी तो मैंने ऑप्शन दे दिया, मुझसे एक बार पूछने की भी जरूरत नहीं समझी। पूछने से आप हाँ कर देते क्या? 100 समस्याएं गिना देते। समस्याएं तो मैं अभी भी गिना सकता हूँ, पर उनसे आप अकेले ही निपटिएगा, मुझसे अब इतना सब्र नहीं होता। मैंने अपने जीवन के 10 वर्ष, 10 बेशकीमती वर्ष आपके परिवार के लिए खर्च कर दिए हैं, अब मैं अपने बच्चों के लिए कुछ समय देना चाहती हूँ, उनके लिए जीना चाहती हूँ। मतलब यह कि पूरे 10 साल तक मैंने अपनी सारी आशाएं, आकांक्षाएं, सारे शौक, सारे अरमान ताक पर रख दिए थे। एक उम्मीद थी कि एक दिन हमारी सारी जिम्मेदारियां समाप्त हो जाएंगी और हम अपनी जिंदगी जी सकेंगे। शालिनी की शादी हुई तो मैंने राहत की सांस ली थी, सोचा था कर्ज है तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी निपट ही जाएगा। जिम्मेदारी तो खत्म हुई, बहुत खुश थी मैं। शालू आसपास नहीं होती है तो आपकी माँ भी थोड़ा सम पर चलती है, बेटी का साथ पाकर तो वे एकदम ही बदल जाती है। पर अफसोस, मेरी यह खुशी 6 महीने भी नहीं टिक पाई। शालिनी जी को पीहर इतना रास आता रहा और अब तो लगता है कि वह लौट कर जाएगी ही नहीं। तुम इससे अच्छा कुछ सोच नहीं सकती? सोच कर ही बोल रही हूँ, तुम्हें वहां के माहौल का पता नहीं है। हिंदुस्तानी ससुराल ऐसे ही होते हैं, अपने यहाँ का माहौल क्या उससे बेहतर है? सुबह से लेकर शाम तक खटती रहती हूँ, शरीर से भी पैसे से भी, पर कभी प्रशंसा के दो बोल नसीब नहीं हुए हैं, सिर्फ ताने और उलाना ही मिलते रहे हैं। मन एकदम छलनी हो गया है, फिर भी यहाँ पड़ी हूँ क्योंकि मैं
अपने माता पिता का बुढ़ापा नहीं खराब करना चाहती, अपने भाइयों की गृहस्थी में जहर नहीं घोलना चाहती। खैर, अपने हिस्से का जितना सहना था मैंने सह लिया, पर मैं अपने बच्चों के कुमनाए चेहरे नहीं देख सकती। मैं उन्हें इस कलह वातावरण से दूर ले जाना चाहती हूँ, उन्हें एक स्वच्छ सुंदर माहौल में बड़ा करना चाहती हूँ। अगर हम अपने माता पिता के प्रति उत्तरदायी हैं, तो हमारी एक और जिम्मेदारी बच्चों के प्रति भी बनती है, उसे हम कब तक अनदेखा करेंगे। यही समझ लीजिए कि हमने अपनी जिम्मेदारियों का बंटवारा कर लिया है। इस घर से किसी को निकालने का हक मुझे नहीं है, पता है, पर मैं इस घर से जा सकती हूँ ना, मेरा वह हक तो कोई छीन नहीं सकता। और अगर ना जाने दूं तो? रोक कर देख लो। उसकी तनी हुई मुद्रा देखकर अनिल सहम गए, समझ गए कि जिसे इतने वर्षों तक कर्तव्यों के बोझ से लाद रखा था, वह अब अपने अधिकारों के प्रति भी सचेत हो उठी है। उसे लौटाना अब असंभव ही है। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी इंतहा मेरे सब्र की।